सो आज हम अपने बाइक में जो है टेल डीड इंस्टॉल करने वाले हैं। फाइनली गाइस अभी हम आए कुछ इस तरह की जगह पे और यहाँ पे ये चेक करो हमारा बाइक कितना जबरदस्त लग रहा है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ हमने टेल डीड इंस्टॉल किया, ये चेक करो कितनी जबरदस्त लग रही है। अभी जो ये वाली मैग्नेटिक है अभी इस पे हम नंबर प्लेट भी जल्दी से इंस्टॉल करने वाले हैं इंशाल्लाह। फिलहाल वो यहाँ से मेरे पास वैसा कोई सामान वगैरह नहीं है ना, वो देखो वो कैसे देख रहे हैं सारे। तो ये चेक करो गाइस ये हमारी टेल डीड, ठीक है, यहाँ से ऐसे ये मैग्नेट है, इसको यहाँ पे भी मैग्नेट लगा के होता है। फाइनली गाइस हमारी जो टेल टीडी है ये चेक करो, हमारी टेल टीडी इंस्टॉल हो चुकी है। ओ इसका मैग्नेट खतरनाक है गाइस, ये देख रहे हो यहाँ से ऐसे चिपक गई है और यहाँ से ये। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आई होप सब खैर खैरियत होंगे। सो हाँ जी गाइस, इतने दिन से मैं अपने थंबनेल में सब में बता रहा हूँ, वीडियो में बता रहा हूँ कि हम टेल टीडी इंस्टॉल करने वाले हैं अपने बाइक में। तो आज है मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है और अपने ही मतलब घर के सामने ये अपना जो है वुल्फ लगा हुआ है। सो ये है इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर अपनी टेल टीडी वगैरह है, ठीक है। सो आज हम अपने बाइक में जो है टेल टीडी इंस्टॉल करने वाले हैं, बाकी मैं सामान वगैरह वो सब लेके आ चुका हूँ इसके अंदर। आज हम टेल टीडी इंस्टॉल करेंगे और बाकी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा एक अच्छी सी राइड पे जाके, हम जो है आपको दिखाऊंगा वहाँ पे जाके अच्छी सी जगह पे जाके व्लॉग भी एक छोटा सा बना देंगे और टेल टीडी भी इंस्टॉल हो जाएगी, उसके बाद रील्स भी इंशाल्लाह बनाएंगे। वैसे ऐसे भी मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा था बट टेल टीडी इंस्टॉल करना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे चेक करो कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, फिर भी हम टेल टीडी इंस्टॉल कर देते। इसमें नंबर प्लेट ऐसे नहीं लगेगी, नंबर प्लेट वहीं पे जाके लगवानी पड़ेगी, फिलहाल के लिए हम टेल टीडी इंस्टॉल करके रख देते हैं। ओके लेट्स गो, बैक सीट निकालनी पड़ती है ना। सो ये चेक करो गाइस ये हमारी टेल टीडी, ठीक है, यहाँ से ऐसे ये मैग्नेट है, इसको यहाँ पे भी मैग्नेट लगा के होता है। और ओ भाई और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यहाँ से भी जो है मैं दिखाता हूँ अभी, ये चेक करो यहाँ से जो है ना ये वाला नेट, ठीक है, यहाँ से इसको बंद करना है। यहाँ से एक चाबी लगा के, एक यहाँ से इसके नीचे से चाबी लगा के, देख रहे हो इसको टाइट करके ये ऐसे रहेगी, ऐसे को रहेगी, फिर यहाँ पे नंबर प्लेट लगेगी, ये ऐसे को रहेगी, इसके ऊपर लगेगी नंबर प्लेट। तो हमारा जो एक नेट है ये एक वाला नेट लग चुका है, दूसरा भी लग चुका है, अभी ये इसको टाइट करना है। ये वाला एक लग चुका है, दूसरे को करना है टाइट, फिर हमारी जो मैग्नेटिक नंबर प्लेट है वो हो जाएगी सेट, ठीक है। फिलहाल मैं जल्दी से यहाँ से करता हूँ मोबाइल यहाँ पे सेट। ओहो हो यहाँ पे अभी दूसरी वाली को पकड़ते हैं, दूसरी वाली करते हैं टाइट, पकड़े टाइट। फाइनली गाइस हमारी जो टेल टीडी है ये चेक करो, हमारी टेल टीडी इंस्टॉल हो चुकी है। ओ इसका मैग्नेट खतरनाक है गाइस, ये देख रहे हो यहाँ से ऐसे चिपक गई है और यहाँ से ये। सो अभी एक और मसला है, इसको क्या मसला है, वो जो ये है ये नेट थोड़े हम टाइट करेंगे। आप सोच रहे होंगे इसने ये वाली सीट क्यों निकाली, ये वाली सीट मैंने इसलिए निकाली, एक्चुअली मेरा जो ये छोटा सा ये वाला स्क्रू है ना, ये नेट इसके अंदर चला गया था, तो उसके चक्कर में वो सीट खोलनी पड़ी है, वो भी सेट करेंगे अच्छे से वापस से। सो हमारी टेल टीडी जो है वापस इंस्टॉल हो चुकी है, अभी जो है इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद हम इसमें करने वाले हैं और थोड़ी मॉडिफिकेशन भी करेंगे इंशाल्लाह जल्दी से।
ये हो चुकी है सेट। अभी थोड़ा बहुत यहाँ से ये शोर करता है ना, ये थोड़ा बहुत हम टाइट करेंगे। ये वाले छोटे छोटे स्क्रू दिख रहे हैं आपको, ये वाले स्क्रू जो है ये भी हम करेंगे टाइट। और उसका भी मैं थोड़ा बहुत वॉश भी करूँगा स्टेल टी डी को, यहाँ से भी नीचे से भी थोड़ा बहुत वॉश करूँगा। पहले हम अच्छे से सेट कर देना, उसके बाद उसको वॉश करेंगे। सो उसके बाद मैं जाऊँगा कहीं पर एक अच्छी सी, आज धूप देख रहे हो कितना ज़बरदस्त मौसम है, देख रहे हो। सो उसके बाद हम जाएँगे एक अच्छी सी जगह पे, वहाँ पे रील भी बनाएंगे और व्लॉग भी बनाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। पहले हम जल्दी से टेल टी डी इसमें सेट कर दें, तो बहुत टाइम के बाद हम इसमें टेल टी लगाने वाले। जो मेरी नंबर प्लेट है वो अंदर रखी है मैंने घर पे, वो नंबर प्लेट निकालनी है पहले और नंबर प्लेट लिखा के इसके बाद यहाँ पे चिपकानी है। बट वो वैसा मेरे पास सामान नहीं है ना फिलहाल, ये चेक करो हमने कितना बहुत देखो सामान वगैरह ये सब खुद ही घर में लगाते हैं। अब क्या जाएंगे वहाँ पर, उनको देना पड़ता है बहुत कुछ, मतलब उनको लेबर चार्ज वगैरह लगते हैं। जब खुद घर में आता है तो ज़रूरी है उनको देना इतना सब कुछ खर्चा करना। टेल टी डी तो मैं लेके आ गया था ये सामान, बाकी ये भी मेरे पास था घर में पड़ा हुआ। सो हाँ जी भाई लोग, अभी हम करने वाले हैं अपने बाइक को वॉश। ये देखो थोड़ा बहुत पानी में लेके आया हूँ, अभी हम इसको करते हैं वॉश, ठीक है। अच्छे से थोड़ा बहुत वॉश करके उसके बाद जाएंगे इसकी रील्स वगैरह बनाने, ओके मैं आपको वहाँ पे अच्छे से दिखाऊंगा। सो लेट्स गो। सो हाँ जी गाइज, अभी हम आ चुके हैं अपने मोटो व्लॉग सेटअप के ऊपर, मैं आपको अपने बाइक चेक करवाता हूँ। ये चेक करो कैसा लग रहा है, अभी हमने वॉश किया यहाँ पे, ये देख रहे हो यहाँ पे हमने अपना बाइक वॉश किया और अभी हमने यहाँ पे रखा अपना बाइक। और ये चेक करो कितना जबरदस्त लग रहा है भाई, नजर नहीं लगनी चाहिए इतना जबरदस्त लग रहा है। सो अभी हम जा रहे हैं एक अच्छी सी जगह पे जहाँ पे हम इसके रील्स भी उठा सकें और मैं आपको वहाँ पे अच्छे से अपने बाइक का दिखा देता हूँ, नंबर प्लेट वगैरह सब कुछ कैसा है, कुछ क्या लग रही है, कैसा लग रही है, ठीक है। सो लेट्स गो। पहले मैं थोड़ा बहुत बैग वगैरह अपना ये कुछ सब कुछ करता हूँ सेट और फिर हम निकलते हैं अपने सफर की ओर, जाते हैं एक अच्छी सी जगह पे। आई थिंक वहीं पे जाऊंगा जहाँ पे मैं ज़्यादातर जहाँ पे मैं रील्स वगैरह बनाता हूँ वहीं पे जाता हूँ, वहाँ पे जाके रील्स वगैरह बना के आपको, क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील्स भी अपलोड करनी है ना, अब तो करनी है मेहनत क्योंकि अकाउंट थोड़ा बहुत ग्रोइंग में चल रहा है, तो अकाउंट को ग्रो में रखना है। अगर छोड़ दूंगा मैं अपने अकाउंट को तो फिर रीच पूरी डाउन हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स गो, अभी मैं आपसे सीधा रोड पे मिलता हूँ। सो हाँ जी भाई लोग, अभी आ चुके हैं हम मेन रोड पे। सो अभी हम जाते हैं और ये आज का जो मौसम है ना इतना जबरदस्त रो रखे ना, इतना जबरदस्त कसम से, पूरे दिन ऐसी जबरदस्त धूप रही ना और बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है। और देखो आज मैं विदाउट ग्लोव चला रहा हूँ और थोड़े भी हाथ को सर्दी नहीं लग रही है, मतलब इतना जबरदस्त मौसम है। सो पहले जाते हैं हम अपनी जो मेन जगह है जहाँ पे मैं रील्स वगैरह ज्यादातर बनाता हूँ, वहीं पे जाके हम अपने बाइक की रील्स बनाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ मेरा बाइक वहां पे जाके कैसा कुछ कैसा लग रहा है, ठीक है। सो लेट्स गो। यहाँ से देख रहे हो मैं कल कुपवाड़ा गया था, कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा ना थोड़ी सी स्नो भी नहीं बची है, यहाँ पे देखो साइड साइड से कितनी ज्यादा स्नो है ना, उस साइड से थोड़ी भी स्नो नहीं बची है। सनसेट से पहले पहले मुझे वहां पे जाना है, ऐसी धूप रहेगी तो बहुत जबरदस्त रील्स बनेगी, क्वालिटी भी अच्छी आएगी। सुभान जी भाई लोग, अभी हम आए कुछ इस तरह की जगह पे और ये चेक करो भाई बैकग्राउंड का व्यू कितना जबरदस्त लग रहा है, देख रहे हो, वाह हा 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 भाई, आज देखो साइड से स्नो भी नहीं उतनी बची है। सो यहाँ से पहले इनको जाने देते हैं फिर हम अपना बाइक यहाँ पे लगेंगे जहाँ पे परसों मैंने कितनी ज्यादा स्नो थी यहाँ पे, जहाँ पे मैंने व्लॉग बनाया था, आज यहाँ पे फिर भी स्नो नहीं बची है ज्यादा। सो लेट्स गो, पहले इनको जाने देते हैं उसके बाद हम रील्स भी बनाएंगे, मैं आपको अपना बाइक भी दिखाऊंगा। अरे दीदी चलो जल्दी, फाइनली गाइज अभी हम आए कुछ इस तरह की जगह पे और यहाँ पे ये चेक करो हमारा बाइक कितना जबरदस्त लग रहा है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ हमने जो नंबर प्लेट इंस्टॉल की, मतलब नंबर प्लेट नहीं मैग्नेटिक टेल टी डी इंस्टॉल किया, ये चेक करो कितनी जबरदस्त लग रही है। अभी जो ये वाली मैग्नेटिक है अभी इस पर हम नंबर प्लेट भी जल्दी से इंस्टॉल करने वाले हैं इंशाल्लाह। फिलहाल वो यहाँ से मेरे पास वैसा कोई सामान वगैरह नहीं है ना, वो देखो वो कैसे देख रहे हैं सारे हमारे पास ऐसा कुछ सामान नहीं है ना जिस वजह से मैं इसको नंबर प्लेट वगैरह इंस्टॉल कर दूं, बट फिर भी मैं अभी वॉश करके कितना जबरदस्त लग रहा है देख रहे हो ना इस चक्कर में, वरना मैं इसको हर रोज वॉश करके रखता, देख रहे हो अभी मैं थोड़ा ही रोड पे चला और ये देखो वापस से बाइक के पीछे से वही हालत हो गई। सो अभी क्या कर रहे हैं जल्दी से इसको इंशाल्लाह
धूप वगैरह ये मौसम वगैरह थोड़ा बहुत ठीक हो जाए फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको पीछे का जो मडगार्ड है वो निकाल देंगे, वरना पीछे हमारा पूरा बैग वगैरह देख रहे हो वो व्लॉग भी नहीं बना रहे, दे रहे सारे इधर ही देख रहे। पीछे का जो मडगार्ड है वो रिमूव कर देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है यहाँ से हम वाइजर लेके आए हूँ, मैं सोच रहा हूँ कल अपने व्लॉग में जो है हम वाइजर इंस्टॉल कर देंगे, लेकिन उसके लिए जो स्क्रू है ना वो स्क्रू यहाँ पे जो लगते होल करना है बराबर मेजर करके, सो वो स्क्रू भी मैं घर में ढूंढना पड़ेगा या घर में या कहीं से लेके आके उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे। सो मैं आपको साइड से थोड़ा बहुत अपना बाइक के लुक चेक करवा देता हूँ। ये चेक करो कितना जबरदस्त लग रहा है ना। सो यहाँ से गाड़ी आई है, पहले गाड़ियों को जाने देते हैं उसके बाद हम बाइक की रील्स बनाएंगे। ओहो नजर ना लगे कसम से, क्या जबरदस्त लग रहा है। ओहो हो भाई आवाज चेक कर रहे हो, एकदम जहर कसम से मां कसम, अभी कितनी जबरदस्त लग रही है। अभी ये रोड पे थोड़ा बहुत पानी ना हो ना उस चक्कर में ये बाइक पीछे से फिर से वापस खराब हो जाती है, अगर रोड पे पानी हो ना फिर से कीचड़ वगैरह लग जाता है बाइक में। अभी वॉश करके आया हूँ यार। सो हाँ जी भाई लोग, अभी इस छोटे से प्यारे से व्लॉग को कर रहा हूँ यहीं पे एंड। उससे पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कौन स्नैपचैटर्स तो नहीं हो? आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को कर लेना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।